बर्ड वॉच न्यूज के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर व आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर पसंद आए तो उसे लाइक करें व औरों को भी शेयर करें। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। गुरुवार की दोपहर सर्किट हाउस पर दिन दहाड़े एक युवती की लाश मिलने की घटना का खुलासा पुलिस ने 2 घंटे में मैच कर दिया था। पुलिस ने आज पत्रकार वार्ता कर बताया कि उसके ही पति संतोष रैकवार ने पैसों के लेनदेन व आपसी अनबन की वजह से पत्नी की हत्या गला घोट कर की थी। संतोष रैकवार ने बताया कि उसकी पत्नी के द्वारा उससे 6.5 लाख रुपए की डिमांड तलाक के लिए की जा रही थी, जबकि उसने 5 लाख रुपए तक देने को हाँ बोल दिया था, जिसको लेकर गुस्से में उसने उसका गला घोंट दिया। क्यों, क्या हो गया था, किस वजह से मारा था? सर, हम लोग की आपसी लड़ाई चल रही थी बहुत दिनों से, और इसका समझौता होना था तो हो नहीं पा रहा था, पैसों का पे अटक रहा था पूरा, तो इस कारण से हो गया काम। कौन कौन था? हम दोनों ही थे, बस दोनों जन थे साथ में। कहाँ से गए थे आप लोग साथ, क्या किया फिर आपने? हम लोग यहाँ मछली पालन के यहाँ पुलिया पे बैठे थे, उसके बाद सर्किट हाउस गए, वहाँ बातों ही बातों में बहस हो गई और गुस्सा में कैसे मारा? चुन्नी वगैरह, चुन्नी से, चुन्नी क्या नाम? संतोष रैकवार। और उसका क्या नाम? मनीषा रैकवार। 1.5 साल बच्चे थे? हाँ, 8 महीने के। कितना समय हुआ शादी का? 3 साल। शुरुआत से परेशान थे सर। कहाँ हुई शादी? कॉलोनी में, वहीं पे मुकेशी कॉलोनी। सर, क्या पूरा मामला है? कल मुखबिर द्वारा जानकारी मिली और फोन से भी सूचना आई कि एक डेड बॉडी सर्किट हाउस के ऊपर और झाड़ियों के नीचे पड़ी है। इस सूचना पर मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी, FSL अधिकारी को जानकारी दी और हम अपनी पूरी टीम लेके वहाँ पहुँचे। वहाँ पर वरिष्ठ SP साहब भी पहुँच गए थे, एडिशनल साहब, FSL अधिकारी, CSP साहब भी, मैं। तो हम लोगों ने उसको अज्ञात थी पहचान करवाने का प्रयास किया, पहचान नहीं हो पा रही थी, इसमें अज्ञात महिला का मर्ग कायम किया था, मर्ग कायम करके उसमें जाँच की गई और जांच के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य जानकारी भेजी गई थी, जिससे एक नंदलाल रैकवार हैं मुकेश नायक कॉलोनी के, इनके द्वारा शनाख्त की गई कि ये लड़की हमारी बच्ची है, इसका नाम मनीषा रैकवार है और इसकी शादी 3 साल पहले संतोष रैकवार से हुई थी। संतोष रैकवार करीब 1.5 साल से इसको छोड़े था और इनका आपसी बात चल रहा था, जिसका कोर्ट में भी शायद इनका तलाक का मामला चल रहा था। कल इसने अपनी पत्नी मनीषा रैकवार को फ़ोन करके बुलवाया था जी, आपस में दोनों बैठे रहे, स्कूटी से भी जाते दिखे, ये फुटेज वगैरह भी देखी और फिर वहाँ पर इस सर्किट हाउस में जाके झाड़ी के नीचे बैठकर इनका विवाद हुआ। ये इसका कहना ये था कि वो 6.5 लाख रुपये कंप्रोमाइज़ करने के उसके तलाक के मांग रही थी और ये 5 लाख तक देने को तैयार था। इस बात पर से इनके विवाद हुआ है और फिर इसने अपनी काले दुपट्टे से उसकी लड़की के गला घोंट करके हत्या कर दिया था और वहीं छोड़ के उसकी स्कूटी, मोबाइल और उसका पढ़ने वाला थैला, बैग लेके चला गया था। आरोपी को कैसे पता जी? आरोपी का कैसे पता चला? आरोपी की जो फुटेज वगैरह देखी गई थी और बयानों में भी कुछ संदेह आए थे, जब इससे तलाश किया गया तो ये पुलिस को देख के भागने का प्रयास किया, पर जब पूछताछ किया तो इसने अपना जुर्म स्वीकार किया, अपना अपराध स्वीकार करते हुए इसने जो उसकी स्कूटी छुपाई थी वो, इसका थैला और गाड़ी की चाबी, उसका मोबाइल, ये शब्द बरामद करवाए। कितनी देर में? ये मुश्किल से 3-4 घंटे, 2-3 घंटे के अंदर हम लोगों को जानकारी मिल गई थी पूरा मामला। और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की गई, एडिशनल साहब द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की गई और सब वरिष्ठ अधिकारियों ने मॉनिटरिंग किया। पुलिस ने यह मामला सुलझा लिया 2.5-3 घंटे के अंदर, पुलिस को जानकारी मिल गई थी और एक मामला सुलझा लिया।